साइंस सिटी में 264 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक्वाटिक गैलरी में अत्याधुनिक सिस्टम से सुसज्जित भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनाया गया है। एक्वाटिक गैलरी को यहां आने वाले लोगों के लिए समुद्री दुनिया के यादगार अनुभव के लिए तैयार किया गया है। इस एक्वाटिक गैलरी में 188 प्रजातियों की 11,600 से अधिक मछलियां एक छत के नीचे देखी जा सकती हैं। इस एक्वेरियम में शार्क सहित अनेक प्रकार के जलीय जीवों की प्रजातियों के लिए अलग अलग 68 टैंक बनाए गए हैं। विशेष करके 28 मीटर की अंडर वाटर वॉकवे टनल तैयार की गई है। यहाँ सैंडबार शार्क, ग्रे रीफ शार्क और जेब्रा शार्क आकर्षण का केंद्र हैं। सैंडबार शार्क आमतौर पर जन्म के समय लगभग 20 से 24 इंच की होती है और 8 फीट तक लंबी हो सकती है। ग्रे रीफ शार्क की लंबाई 5 से 6.6 फीट और वजन 44 से 66 पाउंड तक हो सकता है। ग्रे रीफ शार्क ज्यादातर समय धीरे धीरे तैरती है, लेकिन शिकार का पीछा करते हुए ये 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। जेब्रा शार्क अविश्वसनीय रूप से लचीली और पतली होती है और अब तक दर्ज की गई सबसे लंबी जेब्रा शार्क 11 फीट लंबी थी। जेब्रा शार्क का औसतन जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष का होता है। व्हाइट टिप रीफ शार्क 7 फीट की अधिकतम लंबाई और 18.3 किलोग्राम वजन तक बढ़ती है। ये प्रजाति 25 साल या उससे अधिक तक जीवित रह सकती है। उन्हें आमतौर पर खतरनाक नहीं माना जाता है। कैटल फिश मुख्य रूप से उत्तरी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार की नदियों और झीलों में पाई जाती है। इनकी आंखें बड़ी होती हैं और सिर के नीचे से दिखाई देती हैं। ये मछली 20 किलो तक बढ़ सकती है और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक पहुंच सकती है। मोटोरो स्ट्रिंगे मछली के शरीर के शीर्ष पर मुंह और नीचे की तरफ गिल स्लिट होते हैं। ये मछली लगभग 18 इंच की चौड़ी डिस्क तक बढ़ सकती है। इनकी पूंछ लंबाई में 1 फुट और चौड़ाई में 1 इंच चौड़ी हो सकती है। एलिगेटर गार का मगरमच्छों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके चौड़े मगरमच्छ के सिर और नुकीले दांतों की वजह से इसको ये नाम मिला है। ये 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन लगभग 160 किलोग्राम होता है। रेड टेल टिन फॉयल लगभग 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच सकती है। इनके पास 8 से 10 साल का जीवन काल होता है, लेकिन असाधारण देखभाल के साथ 12 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। द व्हाइट स्पॉटेड जेलीफिश का जहर दूसरों की तुलना में हल्का होता है। इसे एक आक्रामक प्रजाति माना जाता है और बड़े समूहों में यात्रा करना पसंद करते हैं ये। ग्रीन सनफिश
सनफिश के परिवार से ताजे पानी की प्रजातियों में से एक है। ये आकार में बहुत छोटी मछली है। हरी सनफिश को एक्वेरियम फिश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सामान्य होने के कारण मछुआरों के माध्यम से ये आसानी से पकड़ लिए जाते हैं या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। गैलरी में भारतीय प्रजाति की 20, एशियाई की 21 प्रजातियां, अमेरिका की 31 प्रजातियां, अफ्रीका की 16 प्रजातियां, ओशियन ऑफ द वर्ल्ड की 58 प्रजातियां जैसे 10 अलग अलग जोन से लाई गई मछलियां हैं। समुद्री दुनिया के रोमांचक अनुभव के लिए 5D थिएटर यहां भी होगा। ये रंग बिरंगी मछलियां ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।